नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल संबंधित सवाल बताऊंगा जो कि SSC रेलवे ग्रुप डी लेवल से पूछा गया प्रश्न है, जो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ए आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3:2 है। यदि इसकी लंबाई व चौड़ाई 40 सेंटीमीटर कम है तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो खेत का परिमाप पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हमें आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3:2 है, तो आयताकार खेत बना लेते हैं। तो हमारा एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3:2 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी 3x और चौड़ाई हमारा 2x। इसे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ए मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई से 40 मीटर कम है। तो लंबाई और चौड़ाई से 40 मीटर कम है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3x और चौड़ाई 2x, 40 मीटर कम है। तो खेत का परिमाप क्या होगा, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद खेत का परिमाप निकाल लेंगे। तो खेत का परिमाप कैसे निकालते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप के लिए हो जाएगा चारों भुजाओं का योग निकाल लेते हैं। चारों भुजाओं का योग निकालते हैं, यहाँ 3x है, लंबाई यहाँ 3x है, तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा 3x होगा, और चौड़ाई हमारा कितना है 2x, तो इधर कितना हो जाएगा 2x। तो इन चारों का योग करेंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। 3x में 2x घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बराबर 40 मीटर। तो हमारा a का मान कितना है, a बराबर हो जाएगा 3x और b बराबर हमारा हो जाएगा 2x। तो x का मान हम इसमें 1 में रख लेते हैं, तो x का मान रखेंगे तो 3t और b का मान रखते हैं 2 और 40। तो 40 से 3 का गुणा करेंगे कितना का 4t 12 120, और इसका हो जाएगा 4 × 8 मतलब 80, 120 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है, खेत का परिमाप निकालना है, तो हमारे खेत का परिमाप क्या हो जाएगा। तो खेत मतलब आयताकार का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा हो जाएगा। तो आयत का परिमाप, तो हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा 2a + b। तो यहाँ से निकलते हैं 2, ए हमारा कितना है 120 सेंटीमीटर और b कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को योग कर लेते हैं और 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 2 है 120 और 80 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200, और 200 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 मीटर। तो खेत का परिमाप क्या होगा, 400 मीटर होगा खेत का परिमाप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है दोस्तों। एक आयत की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जब इसकी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयत बना लेते हैं, आयत का परिमाप। तो एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, यहाँ पर एक आयत है। तो आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब ये तिरछा लाइन, ये वाला मतलब 10 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2a + b, और इसकी विकर्ण, तो विकर्ण के लिए भी निकाल लेते हैं, विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण बराबर √a² + b²। तो सबसे पहले इसको और कैसे बना लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है,
ये मतलब 90, इसको हम खड़ी ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, ये वाला पार्ट, इसको हम ऐसे खड़ी ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना 108 सेंटीमीटर है लंबाई, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 90 वाला, ये वाला हमारा 90 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये इस टाइप का है, उसको ऐसे खड़ी बना लेते हैं। और इसका विकर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी। तो क्या पूछा, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, एक मान लेते हैं इसको, ये हमारा ए हो गया, और इसे बी मान लेते हैं, और विकर्ण हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 8 प्लस एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, हमारी लंबाई ये हो गया, चौड़ाई एक मान लिए है, और 10 हमारा क्या है, विकर्ण है। तो आयत सब, तो हम क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण हमारा क्या हो गया, ये वाला। तो विकर्ण निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब एक से स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अब इन दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तभी तो ये वाला रूट वाला टूटेगा। अब इसमें वर्ग कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो हमारा 8 स्क्वायर प्लस एक से स्क्वायर बराबर, अब वर्ग किए हैं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर बराबर हमारा 8 का स्क्वायर मतलब 64, एक से स्क्वायर 10 और 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो इसके अब इधर पक्षांतर कर लेंगे तो एक से स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64। तो एक से स्क्वायर बराबर 100 में 64 घटाएंगे तो 36। तब एक से बराबर क्या हो जाएगा, एक से बराबर, एक से इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 का 6। तो हमारा एस का मान निकल गया है, मतलब एक से मतलब बी। तो चौड़ाई हमारी कितना निकल गया है, 6 सेंटीमीटर। हमारा चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, बी का मान निकल गया है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया हमारा आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो हमारा आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप है हमारा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा 2a प्लस पी। तो सॉल्व करते हैं, 2 ए हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, और बी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, जो अभी निकाले हैं 6 सेंटीमीटर। तब 2 से कर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप हमारा 28 सेंटीमीटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यदि यह समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरंस से संबंधित सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, आयत का परिमाप निकाले थे, और आयत, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण पूछा गया था। अब हमारा तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। तो आप लोग को पता ही होगा आयत का परिमाप होता क्या है, सेकंड क्वेश्चन में देखे थे। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप हमारा हो जाएगा 2a प्लस बी। तो सबसे पहले आयताकार मैदान का परिमाप निकालते हैं। तो आयताकार मैदान क्या हो जाएगा, हमारा एक आयताकार मैदान है, ये वाला हमारा एक आयताकार
मैदान है। तो हम अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सब अंदर का निकालते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम अंदर का निकालेंगे। अगर परिमाप पूछा जाता है तो बाहर का निकालते हैं, बाहर के चारों भुजाओं का योग निकालते हैं। अब क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसके अंदर का परिमाप निकालेंगे, इसका मैदान का। क्वेश्चन में कहा गया इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5x और चौड़ाई 3x। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सेम है, मतलब 5x और इधर चौड़ाई हमारा 3x। तो इन चारों का योग मतलब परिमाप, इन चारों भुजाओं का परिमाप कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। तो इसे फार्मूला से भी निकाल सकते हो और इन चारों को जोड़कर भी निकाल सकते हो, तो इसका परिमाप तो निकल ही जाएगा, आप कोई भी एक निकाल सकते हो। तो चलिए फार्मूला से निकालते हैं। तो हम आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 2a+b। तो 2a हमारा कितना है 5x, 5 और इधर क्या कितना हो जाएगा 3x, 5x और 3x। इन सब तो यहाँ से परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हमारे कितना पूछा गया 480 सेंटीमीटर। हमारा आयत का परिमाप कितना है 480 सेंटीमीटर, बराबर 2, 5 और 3 कितना हो गया 8x। तो 480 सेंटीमीटर हमारा परिमाप है और 2, 8, 2, 16 यानी कि 16x। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 480/16। 16 को 480 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा दोस्तों, 16 कम 16, 16 दो 32, 16 3 48 और 0 का 0। तो x बराबर हमारा 30 आ गया है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का आयताकार क्षेत्रफल का परिमाप मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को a से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को b से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुपात वाला निकाल लेते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। तो x बराबर तो हमारा a का मान कितना है, a का मान मतलब 5x है और b का मान मतलब 3x, ये वाला इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है। तो मान रख लेते हैं x का मान कितना है 30 है, तो 5 × 30 और इसका है चौड़ाई 3 × 30। तो 5 × 15 मतलब 150, a का मान कितना आ गया 150 और b का मान 30 × 90 और b का मान 90 सेंटीमीटर और a का मान 150 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप तो निकाल चुके हैं, अब पूछा गया है मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो a क्रॉस b मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 150 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 90 × 0 = 0 और 90 × 15 = 135 मतलब 135 यानी कि 1350 मतलब 13500 वर्ग मीटर होगा। तो एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो आयत मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 13500 वर्ग मीटर होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दिए दोस्तों। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को वाकई में अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम में अच्छे से और कोशिश करूंगा। तो इस टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने का कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।